सेंटर जो है ये वो है कमर्शियल की मार्केट हासिल हो गई, तो उधर टाइम नहीं लगेगा इनको मेरे ख्याल में, ये बन रहे हैं मेरे कमर्शियल ज़्यादा हो रहा है और बाकी ये मेरे ख्याल रिलेटिवली नया बना है ना, यहाँ पे कुदरत ना कर पाऊँ किसी दफा के बन गया हमें बोल गया ये बोल रहा हूँ क्या वो एक दफ़ा बड़ा करके तो फिर वो लगा लेते मदीना से मक्के और ये मदीने से लाइव ही जरूर गया ना वो बोल गया नहीं यहाँ इंशाल्लाह बोला उसका मैं तरीका देख लिया था कैसे लगाते हैं जूर का इतना आसान नहीं ना होता जूर आम का फूटने से आसान नहीं होता उसको पहले खुराक के अंदर ही फुटाना पड़ता है गर्मी में रख के और उसको गर्म एरिया में रखना पड़ता है तो फिर वो फूटती है ये वो है ये कब्रिस्तान है ना कि नहीं कब्रिस्तान तो नहीं लग रहा लग रहा कब्रिस्तान ये पब्लिक बिल्डिंग तो यार पब्लिक से लग तो रही है जरा ऐसा यार कब्रिस्तान है तो सही यहाँ पे वैसे ये वही कब्रिस्तान ही कवर कर रहे हैं अभी कवर किया हुआ था ना पहले तो उन्होंने लेकिन ये ऐसे तो अपना फासले पे है ना वो दूर भी नहीं है लेकिन ये है कि बिल्कुल साथ भी नहीं है तो 10 मरले के बिल्कुल ऊपर सामने साथ जुड़े हुए प्लॉट हैं इससे फ़र्क क्या है बोला मेरे ख्याल इधर ईंटे हमें लकड़ी तो वैसे किसी ने ईंटे ठुकवाई नहीं है यहाँ पर ये वाला घर कम्प्लीट हो गया ऑलमोस्ट तो अच्छा नहीं बना रहे काम रुका हुआ जैसे ये पहली तरफ बनना शुरू हुआ और इस तरफ भी बन रहा है वो वाला भी उस तरफ होने वाला भी और जो इम्पोर्टेंट जो है वो करीब वाला जो है वो कोई सामने वाला नहीं है सामने ये बन गया नहीं सामने इनका मुंह था ना निकल गया कुछ होता है निकल गया कुछ मुझे बना ले और तुमने भी थोड़ी सी पता है कुछ मुझे बना ले ये जगह की ये जनाब अपनी ज़मीनें ज़मीनें हैं ये ज़मीनें अपना घर फ्यूचर का इंशाल्लाह ताला फैमिली हाउस ये है जनाब कोने वाला अपना घर इसका व्यू है वो पीछे मस्जिद नजर आ रही है घर बने में ना
करना पड़ेगा बेडरूम में एक पर नाइट स्टे, पर नाइट स्टे साइड पे लगाया हुआ पिछली दफा आए थे अच्छे साल में बढ़ गए। क्या सर कहते हैं तो ज्यादा होगा ना हमारा, उसका एक्स्ट्रा का साइड में निकलता है। इन लोगों ने जो बना लिया साइड पे, पहले ज्यादा छोड़ा हुआ था ऊपर से, नहीं था उसका उतना ऊपर, इतना छोड़ा नहीं होता है मेरा ख्याल। आगे वाला इसने बाद नहीं बना हुआ होगा शायद, ये मेरा ख्याल मुझे कह रहा था कि एक दो दो से तीन मरले जाना है इसका एक्स्ट्रा निकला। तो ये साइड भी जो है आपकी है ना, साइड में नहीं बाहर की साइड जो है एक तरह से पौधे चौधे लगा लो तो अच्छा बन जाएगा उसके। वो रंग खतरा भी दिल्ली दूर है उनके ऊपर ही बना हुआ है। तो अच्छा ये इधर और उधर दोनों तरफ नहीं बल्कि इसी साइड पे है शायद, ये आगे है ये वाला है, ये इनको बल्कि डबल आइडिया हो गया ना बीच में लेने का, क्योंकि इन दोनों साइडों को ग्रेट निकालेंगे डबल ज़्यादा फायदा होगा। वो अगर रेंट पे देते तो पूरा यहाँ से पूरा हमारा, एक जा रही है एक ऊपर ही जा रहा हो एक उधर जा रहा हो, याद होता बीच में से हो गया दो फ्रेंड्स हो जाते हैं का भी। मैं कह रहा था कि एक तरफ जा रहा दोनों तरफ गेट है, दो प्लाट कैसे करके भी बनाया जा सकते एक साथ वाला, ये दो प्लाट ना कनाल है जैसे दो प्लाट लेके बंदा आपने काम दो तरफ से एंट्रेंस है फुल मिनट का मसला होगा ना कैसे होगा। अब ये वाला 30 लाख तक तो ठीक है, उससे महंगा फ्री देंगे 20 लाख का दे दें, 30-35 लाख जो उसकी ओरिजिनल कीमत थी ना उसके बाद तो अपने तो ऊपर भी दिया ना। नहीं इसकी बात कर रहे हैं आपने 10 नहीं है, ये कनाल है एक कनाल है, लंबाई के लंबाई ज़्यादा ना इसकी। पहले ये था ना कि ये वाला आधा हिस्सा जो था वो उस तरफ बी सेक्टर बी में था, और इधर वाला आधा जो है ये इधर से 10 मरल लेके थे सारे, ये वाली पट्टी ना 10 की थी। तो ये है कि ये उन्होंने लंबाई देखना कितनी ज़्यादा है, लंबाई में लंबा लंबा हो जाए घर तो फ्रंट पुल छोटा हो जाए 10 मरल का लगता सामने से। फ़ायदा इसका वो है कि ऑब्वियसली डबल साइडेड है, और एक तरफ से करके तो थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन उनको दे दो, तो उस तरफ से करके थोड़ा पोर्शन उनको दे दो, किराए के लिए बेहतर है। मतलब इंडिपेंडेंट टाइप का घर मुझे ना दोनों तरफ से, बीच में दीवार ही है जैसे, और जैसे हमसाय की दीवार होती है वो फायदा है इनको, लेकिन वैसे भी इनका नुकसान है कि कितना फ्रेंड थोड़ा सा बड़ा तो होगा ही ऑब्वियसली। नहीं पहले तो ये 10 मरल ही था ना, अगर तू बीच में से काट दे इसको तो ये 10 मरल ही था ये साइड, अगर बीच में से आधा कर दो तो आधा ही ना लग तो बड़ा ही रहा है, और डिपेंड करता ना किस पट्टी में कितना बड़ा आ रहे हैं। ये वाला था फिर 1 क्या है 101 है, ये मेजर मेजर रिटायर्ड मोहम्मद की, ये नहीं है मतलब साथ चला जाएगा।
75 लगा, ये 101 है ना, यही है उसका। अच्छा क्या बोला उसको, मुनासिब है, बहुत जबरदस्त नहीं है। इसके भाई क्या था, इसके भाई क्या था, 50-55 लाख रुपया लग गया, ये मुझे कहता 75 लाख लगा। 75 लाख वाली लेवल कहीं से लग रहा है ये? चलो स्कीम इतनी खास नहीं, डल डल सा है ना। वो स्पीड नहीं है ऑब्वियसली, जब 3 साल से बंदे रुके हुए थे कि हमने फॉरन में आना है, वो इकट्ठे बनी है, बाकी है आहिस्ता आहिस्ता आए, लेकिन ये इजीली यहाँ पर आ जा सकता है, कोई मसला नहीं है इसमें। मैंने जैस्मिन हाइट्स, ये वो कमर्शियल का अच्छा बन रहा है, देखना बिल्कुल पास ही है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ये मार्केट है काफी बड़ी। हाइट्स का मतलब ये मेरा ख्याल है वो देगा, सो नीचे दुकानें और ऊपर ऑफिस, बड़ा प्लाजा सा बन गया है। इसमें दो बनने हुए थे लास्ट टाइम, दो ये तीन सही है, रोड पे होंगे हमारे अपने दोनों, इसमें सारे के सारे शेयर कौन खरीद रहे होंगे, इनके अपने होने हैं, इनके अपने नहीं भाई, काफी लोग परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इनको वैसे कमाई ज्यादा हो रही होगी ना, तुम्हारे एक आइडिया मैं बेसिकली करना चाह रहा हूँ, 4 मरला बना हुआ कैसा होता है, ये शायद 8 मरले हैं ना फ्रंट पे, लेकिन मुझे ना 3 मंजिले उसने बना दी, इमिग्रेशन का स्टडी अब्रॉड का लग भी गया, अगर बंदा भी इधर है नहीं तो फॉरम एसोसिएट ने भी ऊपर बनाया, छोड़ मेरा पहले बात कर लेंगे, चले खुरम एसोसिएट में लगता है वो जो खुरम नहीं था जो इसके पीछे भर देखे हैं।